हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। लास्ट वीडियो में हमने आपको एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज पूरी डिस्कस कर दी थी और आज मैं एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करनी है। लास्ट वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे लेकिन उसके आंसर किसी के भी कमेंट बॉक्स में नहीं आए। या तो आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं या फिर आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ना ही नहीं शुरू किया है तो ये बहुत ही गलत बात है। धीरे धीरे देखिए लॉकडाउन बढ़ ही रहा है, आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है, तो आपको पढ़ना चाहिए। आप जब तक वीडियो देखेंगे नहीं, चीज़ें समझेंगे नहीं, तो कैसे समझ में आएंगी। हमने उन्हें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दो तीन हमने छोड़े थे घर पे लगाने के लिए, जो हमने कहा था आप लगाइएगा उनके बेसिस पर आप और क्वेश्चन पूछिएगा, बट आपने लगाए नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हमने वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप देखें ना देखें आपकी मर्जी। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दिया गया है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। हमें मतलब सिंबल फिल करने हैं, कौन कौन से हैं सिंबल हमारे पास। सबसेट एंड नॉट सबसेट, नॉट सबसेट दो सबसेट हैं और स्पेस दिए गए वहां पर हमें फिल करना है। पहला पार्ट दिया गया है इसका 2, 3, 4 डैट डैट एस 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सेकेंड पार्ट दिया गया है, पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं फिर फिल करेंगे। ए बी सी डैट डैट एस बी सी। थर्ड पार्ट है हमारा एक्स टू एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 क्लास 11 ऑफ योर स्कूल डैट डैट डैश। और इसका जो सेट दिया गया है बिलोंग कर रहा है एक्स इज टू एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। फोर्थ पॉइंट x is to x is a triangle in a plane that that is x is to x is a rectangle in the plane। फिफ्थ पार्ट है एक्स एक्स टू एक्स, ये थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पर। ये वाला जो फोर्थ है ये फिफ्थ पार्ट में दिया गया है, ये फोर्थ पार्ट में, ठीक है। तो नंबर एक बार चेक कर लें, ये फिफ्थ पार्ट होगा, ये फोर्थ पार्ट है आपका, ऊपर नीचे हो गया। एक्स एक्स टू एक्स इज अ सर्कल, इज अ सर्कल इन द प्लेन that that is x to x is a circle in the same plane with radius 1। अब आपको बताना है कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। हमने बताया था सबसेट क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास एक सेट है, एक मिनट ध्यान देना, एक सेट है 1, 2, 3 है, इसमें एलिमेंट क्या है हमारे 1, 2, 3। तो जो सेट हम निकालेंगे 1, तो ये हमारा एक सेट 1 हुआ, ये सबसेट है। ये क्या है? सबसेट है इसका ए का, क्योंकि उसमें क्या होगा बिलोंग कर रहा, बट एक सेट होना चाहिए तभी सबसेट बनेगा। अगर केवल हम ये लिखते हैं तो ये एलिमेंट होगा, क्या होगा एलिमेंट होगा। अब देखते हैं 2, 3, 4 है, यहाँ 2, 3, 4 है, सेट बन रहा है बिलोंग कर रहा है, मतलब ये क्या बनेगा सबसेट हो गया। ए बी सी, क्या यहाँ ए है, यहाँ पर ए नहीं है, तो क्या होगा नॉट सबसेट हो गया। एक्स एस टू एक्स स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 9 क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके क्लास 11th का आपके स्कूल का कोई स्टूडेंट आपके स्कूल का स्टूडेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, अगर आपकी क्लास में तो फिर स्कूल का ही होगा, तो ये क्या करेगा सबसेट कर जाएगा। ट्राइंगल रेक्टेंगल, कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है, किसी प्लेन में रेक्टेंगल बना है, क्या वहां पर सभी ट्राइंगल आ गए?
नहीं आ रहा ना वहाँ पे, सभी ट्रेंगल्स कैसे आ सकते हैं, एक ट्रेंगल बना सकते हैं, कोई ट्रेंगल बाहर घूम रहा है, तो एक प्लेन पे रेक्टेंगल्स में सभी ट्रेंगल नहीं आ सकते, वहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, नॉट सबसेट हो जाएगा। एक्स टू एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, ये एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस वन। अब देखिएगा, हो सकता है ये सर्कल, ये जो सर्कल है ये हमारे रेडियस टू का हो, और ये वाला सर्कल कितने रेडियस का है, वन यूनिट का है, तो ये इसमें कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, ये टू यूनिट का है, और ये इसमें कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, ये बिलोंग नहीं करेगा, ये क्या होगा, नॉट सबसेट होगा। एक बार जरा इसको देख लीजिए, एक्स टू एक्स इज अ ट्रायंगल है और ये सेम प्लेन में रेक्टेंगल है, बिल्कुल ये रेक्टेंगल जब बनेगा तो पूरा प्लेन आ जाएगा, जैसे ये रेक्टेंगल बनाया हमने तो इसमें सभी के सभी ट्रायंगल हमारे आ ही जाएंगे, जितने भी ट्रायंगल इन द प्लेन वो हमारे आ जाएंगे, ये सबसेट हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रायंगल बनेंगे वो इसी में बनेंगे। ओके, सो ये नोट हो गया, मतलब हमें इसमें सेट और सबसेट, सबसेट बनाना था कि सबसेट है या नॉट सबसेट होगा, ठीक है, तो पहला सबसेट है, दूसरा नहीं है, थर्ड वाले भी हमारा सबसेट है, फोर्थ वाला भी नहीं होगा, ये फोर्थ पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट है। ओके, जल्दी नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हम एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, तो आप चाहें तो क्वेश्चन आपके पास अगर बुक है तो आप बुक से देख लीजिएगा, फिर ये सही लिख लीजिएगा टेबल, ठीक है, अगर बुक नहीं है तो जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन नोट कर लें, उसके आगे अपना लगा सकते हैं। इसमें सिक्स पार्ट थे, एक पार्ट और बचा, वो और ऊपर करवा देते हैं। जो सिक्स नंबर पार्ट है वो दिया गया है, एक्स इज टू एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इज एन इवन नेचुरल नंबर डेट डेट डेस, और यहां पर दिया गया है एक्स इज टू एक्स इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, तो बिल्कुल है कि यहाँ पे जो इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारे क्या होते हैं, इंटीजर ही होते हैं, जितने इवन नेचुरल नंबर हुए 2, 4, 6, 8 सबके सब इंटीजर हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसेट का साइन आ जाएगा। सो अब नोट कर लीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका लास्ट पार्ट था सिक्स नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सिक्स नंबर ये था, तो टोटल सिक्स क्वेश्चन थे, सबसेट नॉट सबसेट, सबसेट नॉट सबसेट, सबसेट एंड सबसेट, ये था। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे भी यही है, बस आपको बताना है ट्रू या फॉल्स, मतलब सही है या गलत है, बस ऐसा कुछ बताना है, ठीक है, एग्जामिन करना है, बस अभी भी सेट और सबसेट, सबसेट वाला ही है, सबसेट नॉट सबसेट वाला है, ये जो एक्सरसाइज डिपेंड है वो पूरी हमारी सबसेट पर ही डिपेंड है, जहां पर आपको सबसेट निकालने होंगे पावर सेट पर डिपेंड है। सेकेंड नंबर देखते हैं, सेकेंड नंबर में सिक्स पार्ट है, आपको एग्जामिन करना है, मतलब बताना है ट्रू या फॉल्स वाले हैं, ट्रू या फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट है इसका ए कमा बी नॉट सबसेट, बी सी ए, सेकेंड पार्ट है ए कमा ई सबसेट एक्स एस टू एक्स इज अबव एल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, बताना है कि नॉट, मतलब ट्रू कौन सा है फॉल्स कौन सा है साइन देखकर। ओके, ये 1, 2, 3 सबसेट, 1, 3, 5 ये है ए सबसेट ए बी सी, ये भी ए है बट यहां पर बिलोंग्स का साइन आ रहा है, और ये है ए बी सी, एंड सिक्स पार्ट हमारा एक्स इज टू एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नंबर लेस देन सिक्स सबसेट एक्स इज टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स
थर्ड इनपुट ओके, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये आपको डिसाइड करना है। ए कमा बी यहाँ पर बिलोंग कर रहा है तो ये सबसेट होगा ना कि यहाँ पर नॉट सबसेट, यहाँ नॉट सबसेट दिया है दैट मींस ये हमारा क्या है फॉल्स है। ए कमा ई इंग्लिश अल्फाबेट के बबल्स में बिलोंग करता है बिल्कुल ए आई यू होते हैं तो ए उसमें आता है तो सबसेट है ट्रू होगा। वन टू थ्री यहाँ पर वन और थ्री है बट टू नहीं है, यहाँ पर टू दिया गया मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, ये नॉट सबसेट का साइन होता तो ट्रू होता बट यहाँ सबसेट दिया है दैट मींस ये क्या है ना फॉल्स है। ए इसमें बिलोंग कर रहा है सबसेट है मतलब तो ट्रू है। यहाँ पर भी ए बिलोंग कर रहा है लेकिन यहाँ पर देखिए बिलोंग्स का साइन लगा हुआ है, हमने बताया था अगर कोई सेट बिलोंग करता है तो वो हमारा सबसेट होता है, अगर केवल एलिमेंट होता है तो बिलोंग्स का साइन लगाएंगे लेकिन अगर वो सेट बन गया तो वहां किसका साइन लगेगा सबसेट का। यहाँ पर आगे देखिए ए जो है वो एक सेट है और यहाँ पर बिलोंग कर रहा है लेकिन ये सबसेट का साइन आना चाहिए, किसका आना चाहिए सबसेट का, यहाँ पर किसका आ रहा है बिलोंग्स का साइन आ रहा है इसलिए क्या है फॉल्स है। इवन नंबर लेस देन सिक्स, इवन नंबर लेस देन सिक्स क्या क्या होते हैं हमारे, इवन नंबर होते हैं हमारे टू फोर और लेस देन बोला गया तो सिक्स और नहीं लेंगे टू फोर लेंगे। अब जो है बताइए अगर हम नंबर 36 को डिवाइड करने वाले नंबर देखें, ऐसे नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं तो 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, वन डिवाइड करता है, टू डिवाइड करता है, थ्री डिवाइड करता है, फोर डिवाइड करता है और सिक्स डिवाइड करता है और आगे बढ़ जाओ नाइन डिवाइड करता है, ट्वेल्व डिवाइड करता है, एटीन डिवाइड करता है एंड 36 भी डिवाइड करता है तो क्या टू फोर इसमें नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मतलब ये इसका क्या है सबसेट है तो ये वाला भी हमारा क्या है ट्रू है, वाला भी क्या है ट्रू है तो ओके। सेकंड में ट्रू फॉल्स बनाए थे सिक्स पार्ट थे, ये वाला देख लीजिएगा लेस देन सिक्स बोला गया था दो नंबर लिए हमने टू फोर और 36 को डिवाइड करने वाले नंबर ये हैं तो टू फोर इसका सबसेट है, यहाँ पर सबसेट आएगा ट्रू हो गया ये नोट कीजिएगा इसको भी ट्रू फॉल्स। ओके सो आगे बढ़ते हैं फिर इसके आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। और जिसके पास बुक है जब वीडियो देखिएगा तो बुक ओपन करके ही बैठिएगा तभी चीजें समझ में और ज्यादा आएंगी, अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं फिर तो हम देख ही रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा ए इक्वल टू गिवन है एक सेट गिवन है ए यहां पर वन टू थ्री फोर कमा फाइव ये दिया गया है और आपको बताना है विच ऑफ द करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड वाई मतलब क्यों है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है थ्री कमा फोर इज द सबसेट ऑफ ए, देखिए ध्यान दीजिए अगर हम ए की बात करें जो सेट ए हमारा दिया गया है उसमें जो एलिमेंट्स लिखेंगे ये इसके एलिमेंट है वन टू और ये पूरा एक एलिमेंट है, मतलब अगर हम थ्री कमा फोर की बात करें तो ये एलिमेंट पूरा है जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा ठीक है, इस पर ब्रैकेट भी लगा तो ब्रैकेट लग ही जाएगा। अगर हम बात करें कि थ्री जमा फोर ए का क्या है तो ये एलिमेंट है, एलिमेंट है तो क्या करेगा ये बिलोंग करेगा, अगर इस पर हम एक और ब्रैकेट लगा दें ऐसे तो ये सबसेट बनेगा, क्या बनेगा ये सबसेट बनेगा, जब ये सबसेट बनेगा तो यहाँ पर क्या आएगा फिर यहाँ सबसेट का सिंबल आएगा, मतलब अगर हम ए के सबसेट की बात करें कि ए में कितने सबसेट बनेंगे तो देखिए जरा अगर हम ए के सबसेट बनाते हैं तो पहले क्या बनेगा ए के सबसेट देखना पहले क्या है फाइव फिर वन फिर टू फिर थ्री फोर ऐसे डबल में आएगा फिर फाइव, अब डबल डबल लेंगे वन टू वन थ्री फोर ये भी डबल में जाएगा, थ्री फोर मतलब पेयर के साथ ही रहेगा ये अलग नहीं हो सकता ऐसे फिर वन फाइव हो जाएगा टू टू देख रहे, अब टू का इसके साथ लेंगे फिर टू का इसके साथ लेंगे टू का वन के साथ तो हो ही चुका है तो ऐसे नहीं कुल मिलाकर हमें बहुत सारे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, मैंने काफी नहीं लिखे हैं बस उन्हें ये बताया कि जो ये थ्री फोर है ये आपका एक एलिमेंट है
अगर एलिमेंट है तो जब ये लिखा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स का साइन आएगा ना कि सब्सेट का आएगा, तो ये लिखा है हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ये इसका सब्सेट है, साइड में लिखे रख देते हैं, तो ये भी क्या है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना, दैट इज 3 4 जो करेगा वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अबव इज इनकरेक्ट, अबव कंडीशन इज इन करेक्ट। जो सेकेंड पार्ट इसका क्या दिया गया, सेकेंड पार्ट इसका जो गिवन है वो गिवन है 3 4 बिलोंग्स है, इसमें कुछ बताने नहीं है, तो करेक्ट है हमारा, सीधा करेक्ट है, क्योंकि वो उसका एलिमेंट है, इसका रीजन हमने ऊपर बताई दिया है। थर्ड पार्ट क्या दिया गया, थर्ड पार्ट है 3 4 यहाँ डबल ब्रैकेट लग गया, मतलब ये सबसेट बन गया है, और जैसे सबसेट बनेगा तो यहाँ पे साइन भी क्वेश्चन में सबसेट का ही दिया गया है, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है, ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है, यहाँ पर भी कोई गड़बड़ नहीं है, करेक्ट है, बिल्कुल सबसेट बन रहा है। फोर्थ पार्ट है हमारा 1 belongs to A, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी 1 एलिमेंट है उसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही है। फिफ्थ पार्ट है हमारा 1 subset of A, नहीं 1 एक क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट है तो सबसेट नहीं हो सकता, ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्या ही इनकरेक्ट है, रीजन क्या है इसका, 1 is the element of A, एलिमेंट ऑफ सेट A, तो हम कह सकते हैं कि 1 जो होगा वो क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा। सिक्स पार्ट इसका 1 to 5 सबसेट है, बिल्कुल है, 1 to 5 अलग अलग है दोनों, बिल्कुल तीनों ही अलग अलग, एक जैसे बनेंगे पेयर में तो सेट बनाएंगे, और ये सेट क्या होता है, ये सबसेट बन जाएगा ए का। सेवेंथ पार्ट है 1 to 5 बिलोंग्स ए, ये इनकरेक्ट, ये करेक्ट है हमारा, और ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट क्यों है ये, क्योंकि ये जो है ये एक सबसेट है ना कि एलिमेंट है, अगर ये सेट का साइन ना लगा होता, ब्रैकेट ना लगे होते तो ये सही होता, बट ब्रैकेट लगाने की वजह से ये गलत है। एट पार्ट क्या है हमारा 1 to 3 सबसेट, 1 2 3 सबसेट है, ऐसा भी नहीं हो सकता है, हमने बताया है कि जो 3 4 है, 3 4 ये एक पेयर में ही निकलेगा, ये अलग अलग नहीं हो सकते, यहाँ 3 अलग कर दिया गया, 4 गायब हो गया, तो इसलिए क्या है, ये इनकरेक्ट है, ये पेयर में नहीं आ रहा है। 9 नंबर है 5 belongs A, ये भी इनकरेक्ट है, 5 जो है वो उसका सबसेट है, क्या है सबसेट है, अगर सबसेट का सिंबल होता तो सही होता, 5 बिलोंग से मतलब यहां 5 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, तो 5 यहां पर सबसेट है ना कि एलिमेंट है। 10 नंबर 5 subset A, बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि 5 ये क्या है हमारा, ये यहां पर आ रहा है 5, और ये हमारा क्या है, सबसेट है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट है, करेक्ट है। एक पार्ट और बचा है, एक पार्ट इधर देख लीजिएगा, 11 नंबर और 5 subset, ये रॉन्ग है, हमने बताया था कि 5 जो होता है उसमें हम ब्रैकेट नहीं लगाते, जब हम ब्रैकेट लगा लेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा, 5 सिंगलटन जो हमारा नल सेट होता है उसको हम बिना ब्रैकेट के ही दिखाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 5 जो है हमारा ये सही है, ये 5 ऐसे रहेगा, ये तुरंत इसका सबसेट है, अगर हम इसको ब्रैकेट लगा देंगे तो ये इसके एलिमेंट में चला जाएगा, जबकि एलिमेंट तो है ही नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 पे ब्रैकेट लगाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ये क्या होगा हमारा, इनकरेक्ट होगा। तो टोटल 11 पार्ट थे, हमें एक एक करके यहाँ पे लिख दिए हैं कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है,
रीजन में समझा दिया, बोल दिया, तो इसलिए आप ध्यान रखिए कौन सा रीजन कहाँ पे है। वैसे देना किसी ने इनकरेक्ट कर लेना, ध्यान रखिए इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि या तो उसका एलिमेंट होगा, अगर वन टू थ्री, थ्री यहाँ पर अलग नहीं हो सकता था इसलिए इनकरेक्ट है। ये क्यों है, वन टू फाइव बिलोंग्स का साइन लगा, बिलोंग्स नहीं होगा, ये सबसेट होगा, बिलोंग्स नहीं कर सकता है, ये करेक्ट है, करेक्ट में कोई रीजन नहीं देना। ओके जल्दी नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर जो दिया गया है, ऐसे हम क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, केवल राइट डाउन द सबसेट लिखना है, मतलब राइट डाउन द सबसेट। तो फर्स्ट पार्ट दिया गया है ए, ए के सबसेट क्या होंगे ये लिखना है, केवल हम दो क्वेश्चन करवा रहे हैं, बाकी आपको करना है। एक फाइव होगा और एक खुद ए होगा, यहां दो ही आ सकते हैं, टू की पावर वन करोगे दो ही आएंगे। सेकेंड ए कमा बी, इसके जो हम सबसेट लिखेंगे तो पहले फाइव आएगा, फिर सिंगल ए, फिर सिंगल बी, फिर ए, बस। थर्ड वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, इसके आप लोग लिखिएगा, ये होमवर्क में है। फोर्थ फाइव का सबसेट फाइव ही होता है और कुछ नहीं आता, ये भी होमवर्क में। सो जल्दी इसको नोट, एक मिनट एक और लिख देते हैं, फाइव नंबर क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन नंबर फाइव दिया गया है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, क्वेश्चन देखना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, मतलब पावर ऑफ सबसेट, इफ ए इक्वल टू फाइव। ए फाइव है तो बताना है आपको कितने एलिमेंट होंगे पावर से। हमने बताया था जो हमारा पावर सेट होता है, पावर सेट ये क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट होता है, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट होता है। अब ए अगर फाइव है तो ए के सबसेट क्या आएंगे, सबसेट ऑफ ए क्या आएगा, ए की आना है, फाइव का सबसेट क्या आता है, फाइव का सबसेट फाइव ही आएगा और कुछ आ नहीं सकता। तो जब इसके पावर सेट निकालेंगे तो इसका भी सबसेट हो जाएगा, मतलब फाइव का सबसेट हो गया, ये पावर सेट है, ये क्या है, पावर सेट है। तो पावर सेट क्या है, फाइव का सबसेट क्या, सबसेट है, दैट मींस पी ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए कितने हैं, केवल वन, केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। सो ये सिंगल सिंपल था, सबसेट्स का सेट किया तो एक ही एलिमेंट मिला, अगर यहाँ फाइव की जगह कुछ और होता तो और सबसेट बन जाते, तो उनके सबसेट बना सेट बनाते तो एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, बट यहाँ फाइव था। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसके हम एलिमेंट पूछे पावर सेट में, तो वन टू थ्री फोर बनेंगे, पावर ऑफ ए कितने बन जाएंगे फोर, अगर ये वाला क्वेश्चन होता है तो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो नोट कीजिएगा, फोर एंड फाइव दो क्वेश्चन आपको घर पे लगा दीजिए, नोट कीजिए आगे। ओके हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक एक क्लियर होगा, बस आप घर पे पढ़ते रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, क्लियर होगा। अगर आप बीच में छोड़ रहे हैं तो फिर नहीं आने वाला है, और जो लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो लोग देख रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें तो वो भी पढ़ सकें, वो भी चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इसलिए और जो चीज़ें डाउट हैं नहीं आ रही हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, कहिए कि सर ये नहीं आ रहा है, तो हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स नंबर, राइट द फॉलोइंग्स एज इंटरवल। अच्छा इंटरवल क्या होता है ये समझ लीजिए, जरा एक मिनट के लिए क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। Write the following as interval. जैसे first part दिया है, x is to x belongs r minus 4
सिक्स ये दिया गया, सेकेंड पार्ट दिया गया है एक्स एक्स बिलोंग्स आर माइनस ट्वेल्व एक्स लेस देन माइनस टेन, थर्ड पार्ट है हमारे पास में एक्स एस टू एक्स बिलोंग्स आर जीरो एक्स सेवन, एंड फोर्थ पार्ट है एक्स एस टू एक्स बिलोंग्स आर थ्री एक्स एंड ये फोर। इन्हें इंटरवल्स में देखना है। इंटरवल्स क्या होता है, जैसे हमने कहा कि एक्स में डांस मानना, हमने कहा एक्स के जो नंबर है हमारे वो है वन टू थ्री फोर, हमने ये लिखा। तो अगर ये वन टू थ्री फोर है, लेकिन मतलब कहाँ से स्टार्ट है, वन से लेकर स्टार्ट है कहाँ तक, फोर तक स्टार्ट है। तो ध्यान दीजिए, जैसे इसको अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, एक्स जो है वो वन से बड़ा है, वन के इक्वल है, एंड फोर से लेस है, फोर के इक्वल, ये लिखेंगे। एक्स में अगर वन टू थ्री फोर है तो क्या लिखेंगे, एक्स जो है वो वन से ग्रेटर भी है, वन के इक्वल भी है, फोर से लेस है, फोर से ग्रेटर इक्वल भी है, ठीक है ना। एक्स का फोर से लेस आ रहा है, वन से ग्रेटर जा रहा है। तो जब हमने इंटरवल में लाते हैं तो दो टाइप के इंटरवल लिखते हैं, क्लोज, ये समझ लीजिए क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल। अब अगर कोई एलिमेंट उस सेट में बिलोंग कर रहा होता है, उस वेरिएबल को बिलोंग कर रहा होता है, तो उसमें क्या लगाते हैं, क्लोज, मतलब वो उसके अंदर है तो क्या लगाओगे, क्लोज। अगर इंक्लूड है तो क्लोज, अगर एक्सक्लूड हो गया तो क्या लगाएंगे, ओपन। जैसे यहाँ पर वन भी है फोर भी है, तो हमेशा हम लिखते क्या है, जब इंटरवल में लिखते हैं तो इनिशियल एंड लास्ट, मतलब पहली वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू लिखते हैं, बीच वाली नहीं लिखनी होती है। तो कहाँ से स्टार्ट है, वन से, कहाँ पे खत्म हो रहा है, फोर पे, तो क्या आएगा, वन कामा फोर। ये वन एक्स को बिलोंग कर रहा है तो क्या लगाएंगे, क्लोज, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, क्लोज। अगर ये होता सपोज दैट ये लिखा होता, अब इसको बता देते हैं, सपोज दैट यार ये साइन बना होता वन एक्स, ये बना होता, तो क्या एक्स वन के इक्वल है, नहीं है, एक्स फोर के इक्वल है, फोर से लेस है, वन से क्या है, ग्रेटर है। तो जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से पढ़ना, एक्स वन के इक्वल नहीं है, तो अगर हमने वन लिखा यहाँ पर, यहाँ फोर लिखा, तो जो चीज़ें दी गई वही नंबर तो लिखेंगे, लेकिन फोर के इक्वल है तो कौन सा, क्लोज, वन के इक्वल नहीं है तो कौन सा, ओपन। तो ये लग जाएगा ओपन क्लोज, ये हमारा होता है सेमी ओपन क्लोज ब्रैकेट। अगर हमने कह दिया एक्स हमारा ये है फोर और यहाँ एट, तो दोनों के बीच में है लेकिन दोनों को इक्वल नहीं है, तो जब दोनों को इक्वल नहीं तो क्या लगाएंगे, फोर कमा एट, क्लियर। तो जब इक्वल लगा होगा, इक्वल का सिंबल होगा तो वहां पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, अगर इक्वल का सिंबल नहीं लगा तो वहां पे कैसे ब्रैकेट आएंगे, ओपन ब्रैकेट आएंगे। अब हमें यही काम यहाँ भी करना है, तो कहाँ से स्टार्ट है, माइनस फोर से, कहाँ पे खत्म है, सिक्स पे। माइनस फोर के इक्वल है, नहीं है, तो कौन सा, ओपन। सिक्स के इक्वल है तो कौन सा, क्लोज, हो गया इंटरवल। यहाँ पे माइनस ट्वेल्व से कहाँ पे खत्म, माइनस टेन पे। इसके इक्वल है, नहीं है, ओपन। इसके भी इक्वल नहीं है, ओपन, दोनों तरफ ओपन हो गया। यहाँ पर एक्स कहाँ से, जीरो से स्टार्ट है, कहाँ पे खत्म है, सेवन पे खत्म कर दिया। दोनों के इक्वल का साइन लगा है, दोनों तरफ देखिए इक्वल का साइन लगा है, दोनों तरफ कौन से ब्रैकेट आएंगे, क्लोज ब्रैकेट आएंगे। यहाँ पर आएंगे थ्री फोर, कौन से ब्रैकेट, क्लोज, ओके, बस क्लोज ब्रैकेट यही था। तो नोट कीजिएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन, ओपन क्लोज ये समझ लीजिएगा, जब इक्वल लगा होगा तो वहाँ पे क्लोज लगेगा, जब इक्वल का साइन नहीं होगा तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल का साइन नहीं लगा हो तो कौन सा लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन इंटरवल होता है ये। तो ये दो टाइप के बने, क्लोज या ओपन इंटरवल, तो नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, इंटरवल में दिए गए हैं आपको रोस्टर फॉर्म में लेके आना है। क्वेश्चन नंबर सेवन में इंटरवल में दिए हैं, रोस्टर फॉर्म में लेके आना है, उल्टा है जस्ट ए सिक्स का अपोजिट पार्ट है, कह सकते हैं। सॉरी सेट बेटर फॉर्म राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, पहला पार्ट है माइनस थ्री का मान जीरो, तो कैसे लिखेंगे, x is to x belongs to R, x दोनों तरफ ओपन इंटरवल है तो माइनस थ्री और ये जीरो हो गया। सेकेंड सिक्स कामा ट्वेल्व, कैसे लिखेंगे, x is to x belongs R और यहाँ सिक्स और ये x और ये 12, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल का साइन और लगा दीजिएगा, हो गया बस।
अगर एप्पल क्लोज ब्रैकेट है तो एप्पल का लगा दो, अगर क्लोज नहीं है तो एप्पल ऐसे लिख दो। अब दो क्वेश्चन आपको करना है, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। थर्ड नंबर है 6, 12 एंड फोर्थ नंबर है -23, 5। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, दोनों क्वेश्चन होमवर्क में, सो नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 केवल हमें यूनिवर्सल सेट बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल से वुड यू प्रपोज फॉर द फॉलोइंग। सो फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, एंड सेकेंड पार्ट है द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट बनाया जाए। तो हम देख रहे हैं दोनों दोनों कैसे हैं, ट्रायंगल्स ही हैं, एक राइट ट्रायंगल्स और एक कैसा है आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। जाहिर सी बात है ये दोनों कहाँ बिलोंग करेंगे, ट्रायंगल में ही बिलोंग करेंगे। तो इसका अगर हम यूनिवर्सल सेट बोले तो यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जितने भी ट्राइंगल हों उनमें ये दोनों कहीं ना कहीं बिलोंग कर ही जाएंगे। अगर सभी ट्राइंगल्स को यूज कर लें तो उनमें ये दोनों ऑटोमेटिक बिलोंग कर जाएंगे। अगर हम कहें सभी ट्राइंगल हमने ले लिए तो उसमें राइट भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा और आइसोसेल्स भी आ रहा है, ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन, किसी भी प्लेन की बात कर रहे हैं उस प्लेन में जितने भी ट्राइंगल होंगे उनमें ये दोनों ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे, ये कहीं बाहर नहीं जाएंगे। राइट ट्राइंगल्स आइसोसेल्स कहाँ आएंगे, ऑल ट्राइंगल में आएंगे। केवल यही कहा गया यूनिवर्सल क्या होगा, यूनिवर्सल बस इतना क्वेश्चन था छोटा सा। ओके, तो नोट कर लीजिएगा इसका आंसर केवल यही है द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। फिर 9 नंबर पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर में हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं। एक ए है 135, बी है 246 एंड सी है 02468। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग may be considered as universal set, as universal set for A, B and C। कह रहा है कि कौन से इसके जो ऑप्शन है वो लिख देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेकेंड ऑप्शन है 5। थर्ड ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फोर्थ ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको बताना है कि ऐसा इसमें से कौन सा सेट है जिसमें ये तीनों सेट हमारे क्या करना है, बिलोंग कर रहे हैं, तीनों सेट बिलोंग कर रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, सी वाले के सभी एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये इसका सबसेट मतलब यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। अगर सी बिलोंग कर जाता तो हम कुछ सोचते भी बिलोंग नहीं है, 5 तो मतलब कुछ नहीं तो ये आने ही नहीं है, तो 5 तो यूनिवर्सल हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी तीन तीन एलिमेंट है, सब में 4 एलिमेंट है, ये भी नहीं रहा। इसको देखिएगा, इसमें देखिए
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ तक एट आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर जीरो आ रहा है? सी में जीरो था, तो यहाँ पर जीरो आ रहा है, यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा, मतलब सी बिलोंग नहीं कर रहा पूरा, और जब सी बिलोंग नहीं कर रहा तो ये भी नहीं कर रहा, इस पर नहीं बचा, बचा कौन सा? एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? सी, यही होगा। अब देखिए इसका सब बिलोंग कर जाएंगे, ए में 135 है, याद रखिए 135 बिलोंग कर रहा है, बी में 246 है, याद रखिए 246 बिलोंग कर रहा है, सी में 02468 02468 बस। अब ये कुछ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है, लेकिन हमें तो यूनिवर्सल चाहिए, यूनिवर्सल में एक्स्ट्रा हो भी सकते हैं, यूनिवर्सल का मतलब ये बिलोंग करने चाहिए, एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी हो सकता है, दूसरों को फर्क नहीं पड़ता है, ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं, ये तीनों का क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया, क्लियर। तो यूनिवर्सल में बताया था कि और भी उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकते हैं, हो सकता है कोई और सेट यहाँ पर ना दिया गया, वो वाले सेट के एलिमेंट बिलोंग करना। तो क्वेश्चन एक ही इसका ऑप्शन था, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? थर्ड ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 9 नंबर था, जल्दी नोट कीजिएगा। ओके, तो इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन थे आपके, हमने 9 क्वेश्चन पूरे करवा दिए, जो लोग जुड़े हुए हैं पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब आपको करना क्या है, इनको एक एक क्वेश्चन को नोट करके, आपके पास जो भी नोटबुक आप बना रहे हैं उसमें नोट करके, इनके सभी की जो जो हमने करवाए ऑप्शन, जो जो हमने आंसर लिखा है, उनको एक एक करके ले आते हैं। अगर आपके पास कोई और बुक भी है तो उसके भी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए यूनिवर्सल, जो यूनियन वाले थे, इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन थे, वो आपको मिल जाएंगे। फिलहाल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में, शेयर कर दीजिएगा, हाँ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो आप वीडियो देख सकें। वैसे भी आप देखते हैं लेट ही, हमें लगता है आप तुरंत देखते नहीं होंगे, एक दो दिन बाद ही देखते होंगे, होता है ठीक है, जो भी आप जैसे देख रहे हो आपकी इच्छा है। तो फिलहाल आज इतने, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।